लाइटर, मुझे वाटर लगता है लाइटर से, हट जा हट जा यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रैंडमली ना कुछ शूट किया था मैंने, वही क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। आदि ना मुझे लाइटर से डरा रहा था, मुझे बहुत डर लगता है। इससे पहले ना ये मान्या के साथ ऐसे ही छेड़खानी कर रहा था, वो ना किचन में बर्तन धो रही थी, तो मैंने शाम का मतलब डिनर के बर्तन का काम मान्या को दिया हुआ, तो वो उसको वहाँ पे परेशान कर रहा था, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस फटाफट से मेरे पास आया तो मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन था, तो ये वाली क्लिप शूट हो गई। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स ये वाली क्लिप्स मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि जब हम कभी बच्चों के साथ मस्ती करते हैं कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कैप्चर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ना आदि परेशान कर रहा था मान्या को, वो किचन ना गैस लाइटर से उसको डरा रहा था, और ना गैस लाइटर से जो चिंगारी से निकलते ना उससे करंट लगता है। तो बचपन में हम भी इस तरह की बहुत सारी हरकतें किया करते थे बहन भाई मिलकर, तो वही सब याद आ गया और मैंने इनकी ये मूवमेंट कैप्चर किया करके आपके साथ शेयर कर दिया। पिछली क्लिप्स में आपने देखा जो मेथी और जो पालक था वो मैंने साफ करके रख दिया था नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाना था पालक पनीर। और जब भी ग्रीन सब्जियां आती हैं तो इस तरह से साफ करके रख देती हूँ, ऐसे भी ग्रीन वेजिटेबल को जितनी जल्दी कंज्यूम किया जाए उतना ही अच्छा होता है, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी हो जाती है कि हमें नाश्ते में क्या बनाना है। तो बस मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे की तैयारी कर रही हूँ, मैंने बादाम और यहाँ पे किशमिश को भिगो के रख रही हूँ। एक्चुअली मेरी जो कोहनी का दर्द है ना वो बिल्कुल भी जा नहीं रहा है, तो मैंने ना यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी और मुझे किसी ने बताया भी था कि जो किशमिश खाना मतलब इस तरह से भिगो के नेक्स्ट डे अच्छा होता है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया है। अगर इसका कुछ मुझे फ़ायदा होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स ये हो गया है नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे, और यहाँ पर देखिए घड़ी में 5:30 भी नहीं बजे हुए, 5:25 हो रहे हैं, और मैंने 5-7 मिनट अपनी जो घड़ी है ये वॉल क्लॉक ये आगे ही कर रखी है। थोड़ा सा ये होता है कि मतलब घड़ी को देखते देखते काम कर लो ना, थोड़ी सी आगे रहती है तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं पहले से मेरी आदत है मैं अपनी जो वॉल क्लॉक है जो मैं किचन के सामने लगा के रखती हूँ उसको मैं थोड़ा सा आगे ही करके रखती हूँ, पे काम स्मूथली हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अंधेरा है, यहाँ पे मैं अभी डोर खोल के भी आपको दिखाऊंगी, तो बिल्कुल शांति है, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। और विंटर्स में ना बहुत देर से सवेरा होता है, तो अभी बिल्कुल मतलब बाहर डार्क डार्क ही था। यहाँ पे अभी सब लोग सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं, और आप बिल्कुल मैंने कोई क्लिप म्यूट नहीं करी है, इवन स्विच खोलने की बंद करने की भी आप आवाज़ सुन सकते होंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, सबसे पहले मैं पानी गर्म करूँगी अपने लिए, और बस सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मेरा यही रूटीन होता है कि मैं पहले गर्म पानी लेती हूँ। और बस विंटर्स हो या समर्स मेरा ये रूटीन हमेशा रहता है, 12 महीने मैं गर्म पानी ज़रूर लेती हूँ, चाहे मैं कोई मतलब डिटॉक्स ड्रिंक लूँ उससे पहले भी मेरे को मतलब एक ग्लास पानी पीना ही होता है। तो वैसे भी मेरा ना 2-3 दिन से काफ़ी गला सा ख़राब हो रहा है, तो विंटर स्टार्ट हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दो तो मतलब खांसी जुकाम हो जाता है। तो बस इसीलिए मेरा ये ब्लॉग भी आपको लेट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी ले लिया है, और बस यही 10-15 मिनट होते हैं, 10 मिनट ही मान लीजिए कि हम रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पानी है सिंपल पानी है ये, इसको बिल्कुल सिप सिप करके पीऊँगी, और हमेशा बैठ के ही पानी पीना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम जल्दी में ना किचन में खड़े होकर पानी पी लेते हैं, तो उससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी 10 मिनट आराम से बैठ के पानी पीऊँगी और प्लानिंग करूँगी कि दिन में क्या क्या काम करने हैं। ऐसा कोई रिटर्न प्लानिंग नहीं होती है सुबह के टाइम, पूरा माइंड में ये मतलब लेआउट तैयार कर लेती हूँ कि आज दिन में कोई खास काम है वो निपटाना है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क तो विंटर्स के कलेक्शन को वॉश करना, उनको अच्छे से अरेंज करना है, तो वो भी धीरे धीरे करूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊँगी ये जो बर्तन है, मान्या ने सारे जो टिफिन थे वो बास्केट के अंदर ही फिल कर दिए थे, अभी मैंने उसको बताया कि मतलब अलग रखा करो, लेकिन वो अभी बच्ची है तो इतना मतलब एकदम से बच्चों को हैबिट में नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा काम करना बच्चों को भी सिखाना चाहिए उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे बर्तन सारे लगा लूँगी, उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रिज खोला है, और जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो देखूँगी कि क्या क्या बचा हुआ है। वैसे तो मैंने प्लानिंग की हुई है कि मुझे पालक पनीर बनाना है, तो जो भी लेफ्ट ओवर आटा है या कुछ भी है तो वो सब निकाल के रखूँगी ताकि उसको मैं बाद में कंज्यूम कर सकूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फ्रिज में बिल्कुल भी सुबह ध्यान नहीं देते हैं और फिर कुछ ऐसा बन जाता है, तो उसको ख़त्म करने के चक्कर में जो लेफ्ट ओवर चीज़ होती है वो फिर बची की रहती है। तो यहाँ पे मैंने जो पालक को है रात को ही साफ करके फ्रिज में इसी तरह से रख दिया था बिना वॉश किए, और सुबह मैंने इसको वॉश करके कट करके चढ़ा दिया गैस के ऊपर, और इसमें थोड़ी सी मैं शुगर डालूंगी, इससे क्या होगा जो इसका मतलब पालक का जो ग्रीन कलर है वो एज इट इज़ बना रहेगा और बहुत मतलब फ्रेश फ्रेश सा रहेगा ये।
तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पकाने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए आ गई थी। एक्चुअली काफ़ी दिन से मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है, दिवाली से पहले से, मतलब ये शेड्यूल एक बार ब्रेक हुआ था तो उसके बाद से अब मैंने स्टार्ट करा है दो दिन से, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मैंने नहीं करी क्योंकि काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैंने स्टार्ट किया है, तो फिर मैं अब थोड़ी सी माइल्ड एक्सरसाइज ही कर रही हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स पिछली क्लिप्स में आपने सुना होगा ना यहाँ पे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो पास में ही यहाँ पे रेल की पटरी है, तो सुबह सुबह 5:30 या 5:35 के करीब मतलब ट्रेन जाती है, तो उसकी आवाज़ यहाँ पे आ रही थी और बिल्कुल सन्नाटा, सब लोग सोए हुए हैं। तो मैं आदि को उठाऊंगी 6 बजे और उसका टाइमिंग है 7:30, स्कूल मतलब जो बस पिक करने आती है 7:30 पहुँचती है बस स्टॉप पर, और मान्या का टाइम लेट है, तो अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था कि मैं अपने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकूं। और काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज इसलिए नहीं की थी, मेरी कोहनी में भी प्रॉब्लम हो रखी है, तो मतलब डॉक्टर ने भी मना किया था कोई ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है, और तो दर्द तो एज इट इज़ बना ही हुआ है। लेकिन काफ़ी दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा रूटीन अपना ऐसा लग रहा था कि एक्सरसाइज मिसिंग है, तो कुछ खालीपन सा लग रहा था। तो हमारी बॉडी को पता होता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, तो जब भी मतलब एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ ना काफ़ी दिन तक, थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे फील होने लगती हैं, तो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं भाई। मतलब एक बार ये किसी काम की अब शुरुआत करने की देर होती है, और जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया ना तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा कि अब मतलब ये काम रेगुलर करना चाहिए। और विंटर्स में वैसे भी एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा होता है। तो बस इसके बाद मैं आ गई हूँ आप किचन में, और यहाँ पे जो मैंने पालक उबाल के रखा था इसको पीसूंगी, और ये जो मैंने किशमिश और बादाम भिगो के रखे थे इसको भी मैं मतलब अभी खाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सबसे पहले बच्चों के लिए मतलब टिफिन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट दिए और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च और टमाटर है, और टमाटर और हरी मिर्च का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। रेडी हो जाओ बेटा, लेट हो जाओगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे उठा दिया था आदि को 6 बजे, लेकिन उठते उठते उसने 15 मिनट लगा दिए, और उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल चला रहा है, तो एकदम से बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, तो पहले तो ये ऐसा करता है कि सोफे पे आके कंबल लेके लेट जाता है, तो बस बच्चों को बार बार उठाना पड़ता है, बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, तो मतलब विंटर्स में तो स्पेशली मतलब सब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती ही है, और बच्चे क्या हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, विंटर्स में उठना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे किचन में बर्तन लगा दिए थे, सारे टिफिन जो थे दोनों बच्चों के वो बिल्कुल सेपरेट करके रख लिए क्योंकि टिफिन लगाने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे दूध चढ़ा दिया और कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा जीरा, और उसके उसको भूनने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया था टमाटर, और इसमें मैं दालचीनी डालना भूल गई थी, तो इसमें आप कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा खड़े मसाले पसंद नहीं आते इसमें, और पालक पनीर में ना मतलब ज़्यादा खड़े मसाले अच्छे भी नहीं लगते। बस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिए थे रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और थोड़ी सी सौंफ भी मैंने इसके अंदर डाली है, और उसके थोड़े उसके भूनने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करी है कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, उसको थोड़ा सा मैंने मतलब मिक्स करने के लिए इसके अंदर जो पालक का पानी था वो डाल दिया था, और अच्छे से मसाले को भूनने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया ये पिसा हुआ पालक, और अभी कितना ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स ये, लेकिन इसको जितना ही ज़्यादा पकाते हैं ना तो इसका कलर चेंज होता चला जाता है, तो ज़्यादा देर भी नहीं पकाना होता है इसको, बहुत जल्दी पक जाता है ये, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने इसको बॉयल कर लिया है, ब्लांच करके रख लिया था। थोड़ी देर यहाँ पे पकाने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा पानी, आप इसमें चाहे तो सेपरेटली पानी भी डाल सकते हैं, या फिर जो ये पालक का पानी है ये भी डाल सकते हैं। तो बस इसके अंदर पकाने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया पनीर, ये सिंपलेस्ट पालक पनीर की ग्रेवी हमारी तैयार है। इसके अंदर मैंने ऐड करी है फ्रेश मलाई, आप इसमें चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर नहीं था, तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने पराठे बना लिया, और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा शूट करने का मेरा सुबह सुबह मन नहीं करता है, और यहाँ पे मैं दूसरे वाले मोबाइल में आपको टाइम दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे 7:03 हुए हैं और मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टिफिन का सारा चीज़ें बन के तैयार है। तो मैंने ये है आदि की ब्रेकफास्ट की थाली, इसमें है एक पराठा, पनीर की सब्जी है, दूध है, और ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने भिगो के रखे थे ना, विंटर्स में बादाम भिगो के नहीं खाते तो उनको वैसे ही खाते हैं कच्चा, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने ये अपने लिए भिगोए थे, तो मैंने बस यहाँ पे आदि को भी दे दिए हैं, और यहाँ पर टिफिन भी मैंने कर लिया पैक, साथ में मैंने नमकीन और बिस्किट रखा है। मैं
बाय 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 फ्रेंड्स। सुबह का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे मेरा फिनिश हो गया है और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड के लिए ब्लैक टी और मेरी और मान्या की नॉर्मल दूध वाली चाय। फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ी सी प्लानिंग करके नेक्स्ट डे की सुबह बहुत आसान हो जाती है और साथ में सेल्फ केयर के लिए भी टाइम मिल जाता है। और सब्जी तो बन गई है तो मान्या और हस्बैंड का टिफिन पैक करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलूंगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।